बिसम रहीम टूडेज़ ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ सोडियम मेटल्स हम जो है सोडियम मेटल्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं किस किस लिए यूज़ होता है ये क्वेश्चन बहुत इम्पोटेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो नोट इट डाउन इन योर नीट नोट बुक्स एंड ऑल्सो ऑन द सेपरेट शीट्स फॉर योर प्रजेंटेशन वर्क एज कंसिडर इट एज योर होम वर्क तो सोडियम जो है हैज़ द फॉलोइंग यूजेस सोडियम जो है हम फॉलोइंग यूजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इट इज़ मिक्स विद पोटेशियम टू फॉर्म अ लिक्विड अलॉय अलॉयूज एज कूलिंग कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको यूज़ करते हैं आपको पता है थर्मल इनर्जी के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं मेकेिकल uh, इनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं इनर्जी डेफिसिट कंट्री है हमारा मुल्क जो है इसलिए ये जो है सोडियम का बहुत ज़्यादा यूज़ेस जो है इसमें आते हैं सेकेंड यूज़ का ये है कि इट इज़ यूज इन सोडियम लैम्प्स टू तो लाइट हाईवे हाईवेज़ पर जो आप जो ये औरेंज कलर के लाइट्स देखते हैं ये सोडियम लैम्प्स कहलाते हैं और सोडियम को यहाँ यूज़ किया जाता है ताकि लाइटन करें सिटीज़ को और हाईवेज़ को थर्ड यूज इसका ये है कि इट इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटी नॉक कंपाउंड्स फॉर गैसोलीन पेट्रोल पेट्रोल के लिए जो है इसमें जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें नॉकिंग होती है इस इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज करता है तो अगर हम uh, इसकी कंपाउंड uh, जो हम डिफरेंट देखते हैं uh, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री यूज़ करते हैं एंटी नॉक कंपाउंड जितनी भी है वो मोस्टली सोडियम जो है उसमें यूज़ होता है एक और इम्पॉटेंट क्वेश्चन है जो है कि व्हाट आर द हार्म साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय स्ट्रॉशियम 90 आइसोटोप्स स्ट्रॉन्शियम 90 जो है इसका ये आइसोटोप इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था लास्ट एग्जाम में भी और इसमें भी जो है नाइन्टी से ज़्यादा चांसेज है कि ये आ जाए इट इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप व्हिच इज़ प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एटॉमिक बाम एक्सप्लोजन जब एटॉमिक बाम लास्ट होता है तो ये प्रोड्यूस होता है और इसके एक्सप्लोजन से जो है स्ट्रॉनशियम 90 जो है ये आइसोटोप है स्ट्रॉशियम का ये जो है वो प्रोड्यूस होता है बहुत लार्ज क्वान्टिटी में इसको एक्सपोजर जो है जब इसको लोग एक्सपोज होते हैं इस रेडिएशन को जिससे इससे हो रहे होते हैं तो एनीमिया होता है एक्सपोजर टू तो इट काज एनीमिया यानी जो ब्लड कैंसर है वो होता है ल्यूकीमिया जो बोन कैंसर है वो इससे होता है और स्किन बर्न्स या स्किन कैंसर जो है या कैंसर के हम जो है डिफरेंट टाइप्स जो है वो इस रेडिएशन की वजह से होते हैं इसी वजह से एटॉमिक बॉम्ब या स्ट्रॉन्शियम 98 रेडिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा फैटल है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो राइट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसको आप ऐसे आंसर करोगे कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आ, वो जो है क्या करते हैं वो रिएक्टिविटीज़ की इंक्रीज़ होती जाती है आ, ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव बनते जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप पर जो एलिमेंट होगा वो डाउन एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होगा दिस इज़ बिकॉज एटॉमिक साइज इज़ इंक्रीजिज़ डाउन द ग्रुप एंड टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस शेल एलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता क्या है इसमें कि जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है जब एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो इनको जो है इनकी रिएक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनके लिए आसान रहता है एटॉमिक इन एटम्स के लिए बिगर साइज वाले के लिए कि वो अपने जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे बड़े आसानी से वो लूज़ कर जाते हैं इसकी जो है मैग्नीशियम जो है वो इसके जो रिएक्शन हैं वो आपने इस इसको नोट करें मैग्नीशियम रिएक्ट करता है विद हॉट वाटर एंड कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं मैग्नीशियम जो है वो जब तक वाटर हॉट नहीं है जब तक आपने इसको एनर्जी नहीं प्रोवाइड की है वाटर को तो मैग्नीशियम जो है उसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता लेकिन जब आप कैल्शियम को जो है वो आप आम वाटर में भी जो है वो कोल्ड वाटर में भी जो है डालते हैं तो वो जल्दी से रिएक्ट कर लेता है तो ये देखें मैग्नीशियम वाटर के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ जो है वो कैल्शियम हाइड्रो बना रहा है नॉर्मल वाटर नॉर्मल रिएक्शन होता है रूम टेम्परेचर पर और ये जो है वाटर ऑक्साइड्स uh, बनाने के बाद जो है वो फिर हाइड्रोजन गैस एलिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन के लिए भी हम इसको इन दो कंपाउंड्स को यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर वाइल कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर विच मीन्स कैल्शियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम मैग्नीशियम को देखें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हीट इसको प्रोवाइड करना होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनाते हैं जबकि कैल्शियम जो है वो रूम टेम्परेचर पर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और ऑक्साइड बना देते हैं दिस इज इट फॉर टुडे एंड इन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस सम मोर इम्पॉटेंट क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू नोट इट डाउन एंड मेक योर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर एंड मेक यूर सेल्फ प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन होप दिस मेक सेंस टू यू अल्लाह हाफिज़ टेक केयर